पेरेंट्स, आज मैं एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, पर क्या आपने अपने बच्चों को कभी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कुछ ऐसे काम सिखाए हैं जो उन्हें शायद जब वो अकेले हों तब जरूरत पड़े? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे मौकों की जब बच्चे स्कूल की पिकनिक पे जाते हैं, स्कूल के एक्सकर्शन पे जाते हैं, स्कूल के 4-5 डेज के ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ बच्चे पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें अपना काम खुद करना होता है, अपनी चीज़ें खुद संभालनी होती है, अपना पैसा खुद मैनेज करना होता है। तो क्या हमने बच्चों को वो स्किल्स सिखाए हैं? छोटी सी चीज़ है, बच्चे जब अगर ट्रेन में जा रहे हैं कहीं बाहर अपनी स्कूल ट्रिप पर, और जब मॉर्निंग में उठते हैं, अगर उन्हें अपनी बेडशीट तय करनी होती है, तो कई बच्चों को वो चीज़ नहीं मिलती। चाहे वो लड़का है या लड़की, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को ये कुछ बेसिक स्किल सिखाएं, जैसे बेडशीट फोल्ड करना, अपने कपड़े फोल्ड अनफोल्ड करके उन्हें कैसे अपने बैग में जमाना है, अगर यूज़ किए हुए कपड़े हैं तो उन्हें कैसे रखा जाता है बैग में, और बाद में जब अगर हम होटल रूम में जाते हैं तो अपने सामान को हमें कैसे मैनेज करना है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब होटल में ठहरते हैं पिकनिक के लिए, तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने कितना सामान अपने बैग में रखा है और उन्हें वो सामान किस तरह से मैनेज करना है। पेरेंट्स, आप जो हैं बच्चों के साथ अपने प्यार की वजह से, अपनी केयरिंग की वजह से उनके साथ हर चीज़, आप अपने सामान उनको दे देते हैं, पर उन्हें ये भी सिखाना है कि वो सामान कब कैसे वो यूज़ कर पाएंगे। आप बहुत सारा खाना भेज देते हैं बच्चे, सिर्फ इसलिए कि इतना सारा खाना मम्मी ने दिया है, सब खत्म करना है। दे सिंपली कीप ऑन ईटिंग ईटिंग ईटिंग, जो उनके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता, उनका स्टमक अक्सर अपसेट हो जाता है। तो आप बच्चों को अपने स्कूल ट्रिप के लिए क्या खाना दे रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचने के लिए। प्लस बच्चों को कपड़े, मैं जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा उनको कपड़े तय करना सिखाना है, उनको अपना सामान मैनेज करना सिखाना है, उनको ये नसीहत देनी है कि कैसे जब वो जाएंगे तो उन्हें अपना सामान कैरी करना है। जब वो ट्रेन में बैठते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे अपना सामान किस तरीके से रखना है और उसके बाद कितना उसको ध्यान रखना है। प्लस अपने बच्चों को जल्दी उठने की आदत डलवाइए, क्योंकि जल्दी उठने की आदत सिर्फ बचपन में ही नहीं, थ्रू आउट द लाइफ एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी आदत है। तो आप घर में अगर बच्चों को देर तक सोने देते हैं तो बच्चे ट्रिप्स पर भी जल्दी उठ नहीं पाते हैं और पूरा दिन आलस फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। तो अपने बच्चों को जल्दी उठने की भी हैबिट रखिए, जल्दी सोना जल्दी उठना हर तरह से सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि अब अगली ट्रिप पर शायद हमें कुछ अच्छे ट्रेंड बच्चे मिलेंगे जिन्हें थोड़ा सा बेसिक अपने आप को संभालना आता है, ये ना सिर्फ बच्चों की ट्रिप को आसान कर देते हैं बल्कि उनके साथ रहने वाले टीचर्स के लिए भी वो एक बहुत ही सहूलियत हो जाती है जब बच्चे अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं। तो आप ऐसी स्किल्स अपने बच्चों को सिखाएंगे, इस उम्मीद के साथ मिला लेती हूँ, मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए